न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको देवभूमि की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। देश में 75 पुलों व सड़कों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड को दिए 6 नए पुल। 15 दिन के अंदर जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। उत्तराखंड में 6 जुलाई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। जिम और कोचिंग सेंटर को खोलने की मिली छूट। रामनगर में जारी है भाजपा का चिंतन शिविर। दूसरे दिन सरकार के 4 साल और योजनाओं पर हुई चर्चा। हाईकोर्ट ने ठुकराया प्रदेश सरकार का फैसला। लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते रद्द की 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ हाईवे पर टला बड़ा हादसा। बुलेटिन में देखे पहाड़ी रास्ते का हैरान कर देने वाला मंजर। रुद्रपुर में खुला कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना। बिना वर्दी तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। काला फीता बांधकर मनाया काला दिवस। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सहायक कमांडेंट के 50 पदों पर निकाली भर्ती। 4 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से उत्तराखंड के 6 पुलों का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में 75 पुलों व सड़कों का भी उद्घाटन हुआ। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए सड़क व पुल बेहद जरूरी हैं। सीमांत में पुल और सड़कें जहां सामरिक महत्व के लिए आवश्यक हैं, वहीं पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी जरूरी हैं। सीएम तीरथ ने कहा कि दूरस्थ व दुर्गम स्थानों में जाने के लिए देश में लगातार सड़कें व पुल बनाए जा रहे हैं। उनकी माने तो सीमा सड़क संगठन इस क्षेत्र में लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड के उत्तराखंड के भी जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फायदा है और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। इसके लिए हम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। खबर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट 15 दिन के अंदर जारी किया जाएगा, ये कहना है राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। ऐसे में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर विचार करते हुए सभी को पास करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्र छात्राओं का परिणाम जारी करने से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा देने की इजाजत भी दी जाएगी। खबर 6 जुलाई तक बढ़े कोविड कर्फ्यू की। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए नई गाइडलाइन भी सरकार ने जारी कर दी। कर्फ्यू के दौरान अब दुकानों के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तय किया गया है। वहीं अब राज्य में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को पर्यटन स्थल भी खोले जाएंगे। लंबे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि नए नियमों में पर्यटन स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी। बाहरी राज्यों से देवभूमि आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी लानी होगी। वहीं बाहर से आने वाले प्रवासियों को 7 दिनों तक गांव में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा। खबर भाजपा के चिंतन शिविर की। रामनगर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर में दूसरे दिन सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2002 से 2017 तक हुए चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में बताया। BJP के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, बैठक में इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने चिंतन शिविर में 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले उनके लाभ के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं पर भी विचार किया। खबर 4 धाम यात्रा की। 4 धाम यात्रा पर तीरथ सरकार के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दरअसल 25 जून को कैबिनेट बैठक में तीरथ सरकार ने 3 जिलों के लिए सीमित तौर पर 4 धाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी। इतना ही नहीं, 11 जुलाई से यात्रा राज्य के सभी जिलों के लिए शुरू की जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण के खतरे
और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनजर सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसे में चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को फिलहाल और इंतजार करना होगा। खबर बद्रीनाथ हाईवे में आए भूस्खलन की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के वक्त भूस्खलन की खबरें काफी आम है। एक ओर जहां पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एक आफत के रूप में उभर रहा है, तो वहीं नदियों का जल स्तर भी उफान पर है। कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर। यहां पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नेशनल हाईवे पर आ गिरा। क्योंकि उस वक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। वीडियो में आप भी देखें पहाड़ों का वो भयानक मंजर। खबर कुमाऊं में खुले बाल मित्र थाने की। कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में खोला गया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि थाने में पीड़ित व आरोपी नाबालिगों को पारिवारिक माहौल प्रदान किया जाएगा, जिससे वे बेखौफ होकर पुलिस को स्पष्ट जानकारी दे सकें। एसएसपी ने बताया कि थाने में घर जैसा माहौल देने के लिए बैट, खिलौने आदि की व्यवस्था भी की गई है, जिससे नाबालिग बिना डरे पुलिस को जानकारी दे सके। उन्होंने बताया कि थाने में 4 से 5 पुलिस कर्मचारी बगैर वर्दी तैनात किए जाएंगे। खबर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के विरोध की। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर कारोबारियों ने व्यापार मंडल के साथ एक दिन काला दिवस के रूप में मनाया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने व्यापार संबंधित मांगों को लेकर यह विरोध किया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने बताया कि कोरोना काल के चलते लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू ने ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के कारोबार को काफी प्रभावित किया है। रोड टैक्स, इंश्योरेंस और बढ़ती तेल की कीमतों ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, जिससे परेशान ट्रांसपोर्टरों ने हाथ में काला फीता बांधकर 28 जून का दिन काला दिवस के रूप में मनाया है। साथ ही उन्होंने सरकार से टैक्स में छूट देने की भी मांग की है। देखो, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बहुत लंबे समय से परेशान है। एक तो एक साल से ये कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण की गाड़ियां नहीं चली, बैंक की किस्तें नहीं जा पा रही हैं, काम इनको नहीं मिल रहा है और आज पूरे प्रदेश में इन्होंने काला दिवस बनाया। तो हम लोग भी एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हमने उनका समर्थन देने के लिए आए। उनकी पहली मांग तो है कि डीजल पेट्रोल के जो अंधाधुंध दाम बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड है कि भाई साहब की जो गाड़ी का विवाद है, जिसकी उम्र कहते हैं कि 15 साल में गाड़ी हम रोड से रिटायर कर देंगे, वो कहते हैं कि साहब 2 साल तो गाड़ी चली नहीं, कम से कम इसको 17 साल किया जाना चाहिए। ये न्याय संगत मांग भी है। तीसरी मांग इनकी है कि लॉकडाउन के दौरान टैक्स माफी की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी, लेकिन टैक्स माफ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कम से कम 6 महीने का टैक्स इनको माफ किया जाए ताकि इनको राहत मिल जाए। चौथी मांग है कि पुलिस उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है। टैक्स पुलिस चालान के नाम पर रोड में चलते चलते जहां जहां भी थाने चौकी पड़ती है इनसे पैसे वसूली जाते हैं और इनकी इतनी कमाई है नहीं, तो हम समझते हैं कि पुलिस उत्पीड़न बंद होना चाहिए। पुलिस एक जगह ले ले जो पैसा लेना चाहती है, पुलिस टैक्स के नाम पर एक जगह ले ले, उनको टोकन दे दे, वो चलते रहे, धारचूला तक जाए तो फिर फ्री हो के जाए, लौटते समय फ्री हो के आए। खबर इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती की। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सहायक कमांडेंट के 50 पदों पर भर्ती निकाली है और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई रखी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिलेक्शन 2 चरणों में होगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।